नेता निर्मल चौधरी की फॉर्च्यूनर गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। कुछ बदमाशों ने गाड़ी के शीशे और लाइट्स को फोड़ डाला। पुलिस ने मामले में कुछ छात्रों को भी हिरासत में लिया है, जैसे ही जानकारी मिली। हालांकि हड़कंप तो मच ही गया, लेकिन फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पूरे मामले में कुछ छात्रों को हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है और ये सामने आ पाएगा कि आखिर क्या आपसी रंजिश थी, आखिर क्या वजह थी, या फिर यूं ही शरारत की वजह से इस गाड़ी को तोड़ा गया है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी भारत दीक्षित, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। भारत, हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की गई है, क्या कुछ सामने आ पाया? देखिए बिल्कुल पूनम, आपको बता दूं कि जैसे जैसे छात्र संघ चुनाव की रणभेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी में बच गई, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा कि दो साल हो गए कोरोना काल में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए, लेकिन इस बार छात्रों को ऐसा लग रहा है कि चुनाव होंगे, उसको लेकर ही छात्र नेता राजस्थान यूनिवर्सिटी में सक्रिय हो गए। एक दूसरे में होड़ आपस में मची हुई है, यही कारण है कि आज जो छात्र नेता निर्मल चौधरी, उनकी गाड़ी को आज पूरी तरह से तोड़ दिया गया। दरअसल करीब 12:30 बजे की ये घटना है। उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्मल चौधरी जब पहुंचे थे, उसके कारण से वो अन्यत्र स्थान अपनी गाड़ी को खड़ी कर गए। उसके बाद कुछ छात्र, जैसा कि पुलिस के द्वारा बताया गया, विवेकानंद हॉस्टल के कुछ छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचे और निर्मल चौधरी की गाड़ी में तोड़फोड़ की। उसके बाद पुलिस के द्वारा कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ संबंध में जारी है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। पूछताछ के बाद सब कुछ साफ हो पाएगा। हालांकि हिरासत में ले लिया गया है, आपसी रंजिश बताई जा रही है, लेकिन कुछ भी कहो, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र हैं या फिर छात्र नेता हैं, उनके हौसले किस कदर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस गाड़ी को तोड़ा गया है फॉर्च्यूनर गाड़ी है, छात्र नेता निर्मल चौधरी की गाड़ी। कुछ बदमाशों ने आकर गाड़ी के शीशे तोड़ डाले, लाइटों को फोड़ डाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में तहकीकात करने में जुटे हैं।